प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें। हमारे देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। बनारस को तो एकदम नया कर दिया है इन्होंने। ऐसे प्रधानमंत्री को सब लोग शुभकामना दीजिए कि वो इसी तरह से हमारे समक्ष बने रहें। आज हुआ है मोदी जी का आगमन, आज आधार पा रहा है मन। क्यों भटकना पड़े तुझे जीवन, मुक्ति को आज प्राण देने दो। शब्द को अर्थ ज्ञान देने दो। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा, और भेजा क्या, आपने मुझे ऐसा अपना बना दिया है जी। शायद आपके दिल में कोई आवाज उठती होगी, विचार आता होगा, मुझे शायद आपको कन्वे भी नहीं करना पड़ता होगा, शायद कोई आत्मिक संबंध है, मुझे पता चल जाता। आज जो मैं कुछ भी कर पा रहा हूं, इसमें देशवासियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट दी। हमारी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कथा चल रही है, या तो 5 साल के बाद सरकार बदलती है। ये कोई गर्व का विषय है क्या? ये गर्व का विषय नहीं है जी। कंटिन्यूटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। जब कंटिन्यूटी होती है तो आप उस सरकार का हिस्सा मांग सकते हो। इस देश में आजादी के बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट सबसे लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, और मेरा कोई परिवार में राजनीति नहीं है। मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति आज भी राजनीति में है। मेरी अपनी कोई जाति बिरादरी नहीं है। इसका मतलब कि इस देश के लोगों की लोकतंत्र की ताकत को समझने की जो सामर्थ्य है वो कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश को स्टेबिलिटी भी चाहिए, उत्तर प्रदेश को कंटिन्यूटी भी चाहिए। और मैं आपको कहता हूं, सचमुच में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लीड करने की ताकत उत्तर प्रदेश में है। इतना पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल। और हमें मौका दीजिए साथियों, 10-15 साल में मैं देश का ड्राइविंग फोर्स यूपी हो जाएगा, इकोनॉमी का बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा, ये मैं देख रहा हूं। और उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप सब आए, आशीर्वाद दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।